नमस्कार, डेली वर्ल्ड टीवी में आपका स्वागत है। आज की चर्चा के विषय, क्या उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू की जा सकती है? जी हाँ, जब बिहार में शराबबंदी लागू की जा सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू की जा सकती है, मगर क्या आज की तारीख में शराबबंदी लागू करने से बिहार में क्राइम कम हुआ है? बिहार में क्राइम शराबबंदी लागू करने के बाद उल्टा बढ़ चुका है। वहाँ दो टाइप के क्राइम हैं आज की तारीख में। एक तो जो पहले होते थे उनमें ही वृद्धि आई है, दूसरा एक नया क्राइम पैदा हो गया है, वो है शराब स्मगल करके बिहार लाना। दो टाइप की स्मगलिंग हो रही है शराब को लेकर। एक, लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, यूपी के उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बॉर्डर पार करके वहाँ शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद वहीं होटल में रात को रुक जाते हैं, सवेरे वापस आ जाते हैं। दूसरी, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से और पड़ोसी राज्यों से शराब नवयुवक अपने साथ झोलों में भर भर के ले जाते हैं और वहाँ शराब सप्लाई करते हैं। इसके लिए सख्त सज़ाएँ भी अनाउंस की गई हैं बिहार में। कहा गया है कि इसके बावजूद भी आज की तारीख में बिहार में शराब मिलती है। प्रोहिबिशन नेशनल लेवल पे मुरारजी देसाई की सरकार ने लागू किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि जहरीली शराब तक लोगों को सप्लाई की गई, जिससे जहरीली शराब के लंबे लंबे हादसे हुए और बहुत लोगों की मौत हुई। दो चीज़ें तो निश्चित हैं, एक, प्रोहिबिशन पूरी तरीके से कभी नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि इंसानों की नेचर में यह है कि उनको शराब या नशा करना है, और अगर प्रोहिबिशन लागू किया गया तो जहरीली शराब का खतरा बढ़ जाता है।